देखिए सीख कबाब कितना टेस्टी बना है, इसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये सोयाबीन से बना हुआ है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मोहिनी की किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए सबसे पहले सोयाबीन को उबाल लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया 250 ग्राम सोयाबीन और इसे पानी में अच्छी तरह से उबाल लेना। जब सोयाबीन उबल जाए तो इसे हम ठंडा करके पूरा इसका पानी गाड़ लेंगे। और देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से गाड़ लिया है और ये देखिए सोयाबीन बिल्कुल सूखा सूखा हो गया है। अब हम इस सोयाबीन को मिक्सर के जार में डालकर पीस लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक भी मिला लें। सोयाबीन को थोड़ा थोड़ा कर ही डालें क्योंकि एक बार डालने से ये पूरा मिक्सर में अच्छी तरह से नहीं पीस पाएगा। इसका एकदम महीन करके मिक्सर में पीस लें। ये देखिए हमारा सोयाबीन का बिल्कुल अच्छी तरह से पेस्ट बन चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च और इन सबको अच्छी तरह से मिला लें। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गूढ़ा जीरा, 1 चम्मच गूढ़ा धनिया और अमचूर पाउडर 1.5 से 2 चम्मच, 1/2 चम्मच के करीबन हल्दी पाउडर और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 1 चम्मच भरकर बेसन, बेसन डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर ये आपको थोड़ा गीला गीला लगता है तो आप इसे बेसन थोड़ा और मात्रा में डाल सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये कबाब बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे बनाकर आप 1-2 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए मैं इसे अच्छी तरह से सान ले रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिला लें। इस कबाब के मिश्रण को हाथों में लेकर फैला लेंगे और उसके बाद इसको स्टिक पर हल्के हल्के तरह से लगाकर कबाब का शेप दे दें। जब हम देख लेंगे कि शेप अच्छी तरह से आ चुका है तब इसे एक प्लेट में रखते जाए और इसे आप 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं बनाकर। जब ज़रूरत पड़ने पर आप इसे फ्राई कर सकते हैं। मैंने इस सीख को आपको OTG में बेक किया है। तो बेक करने के लिए सबसे पहले 180 डिग्री पे प्री हीट कर लें। OTG जब प्री हीट हो जाए तो तंदूर मोड पे 15 मिनट के लिए इसे बेक कर लें और पलट कर फिर इसे 10 मिनट के लिए बेक कर लें। और बेक हो जाने के बाद आपकी सीख कबाब बिल्कुल तैयार हो चुकी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कबाब बनाकर तैयार होने के बाद कबाब का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो इसे बनाकर अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। ये बिल्कुल हेल्दी है और इस पर तेल भी नहीं रहता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की रेसिपी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं दूसरी रेसिपी, तब तक के लिए थैंक यू।